जैसा कि पता हम पहुंच चुके हैं रामरा। रामरा के अंदर एक बहुत पुराना तीर्थ है भगवान परशुराम के नाम से, ये तीर्थ है और राजाओं को भगवान परशुराम तीर्थ यहाँ सभी घाट यहाँ का तीर्थ स्थान दिखाते हैं। भगवान परशुराम के बारे में आपने पता सुना है तो उसके बारे में आपको जानकारी इन लोगों से मिलेंगे, कुछ आपको दिखाते हैं। ये भगवान परशुराम घाट है भाई, नाम है ये उधर, और दूसरा घाट है उधर, तीसरा घाट है ये घाट है, ये मंदिर है, आपको दिखा दीजिए तीर्थ है। ये है ये रामराय का तीर्थ है, आप देखो कितना प्यारा नजारा है, सब उसको देखते रहो। ये इधर भी मंदिर है, ये पुरानी इमारत नजर आ रही है आपको इधर पीछे छोटी ईंटों की, ये तीर्थ है। ये परली साइड मंदिर है, उधर भी कोई आरती भजन वगैरह चल रही है, देखो सत्संग वगैरह आ रहा है परले घाट पे। एक मंदिर उधर भी है नजर आ रहा है, एक मंदिर ये भी है, ये घाट नहाने के लिए। ये आप देखो नज़ारा, ये रामराय का तीर्थ है भाई। हम परशुराम घाट पे बैठे हैं इस टाइम, यहाँ खड़े हैं, आपको आगे से दिखाते हैं। रामहद तीर्थ बोलते हैं, ये महिलाएं सफाई कर रही है इधर। ये परशुराम घाट था, ये माता रेणु का घाट है, परशुराम की माँ का नाम रेणु का था, भगवान परशुराम की माता का नाम, ये रेणु का घाट है। ये भी घाट है, ये बनवा था मतलब, चलो हम आपको परशुराम मेन मंदिर की तरफ ले जाते हैं। श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय उधर धर्मशाला, राम तीर्थ रामरा इधर है, इधर भी धर्मशाला है। ये पुराने बरगद के पेड़, ये चौधरा नजर आ रहा है शामी, हैं जिसमें काग से बैठे, हाँ क्या है ये, इसका है कुंड का घर, जो ये सात कुंड बता, उसमें एक कुंड था कि भाई जो भगवान परशुराम सातु कुंड इसके बराबर में थे। और ये प्राचीन मंदिर जो ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये जो लाल लाल दिखाई दे रही है, ये प्राचीन है, ये घाट है, घाट है, पुराना मंदिर यू है बस, आगे शिव जी की मूर्ति, इसमें जो सात कुंड थे इसके मैं थे तीर्थ में, क्या कुछ मानता है इसके बारे में, क्या कुछ क्या हुआ मतलब, बाबा परशुराम की मानता है, पनवासी का नाम हुआ है, अच्छा पनवासी का, ये तो घाट फिर बाद में बनाए हैं, तो ये घाट पहले थे, मैं बिल्कुल खराब होने रहे बनाने, कौन को दानी सजन दंदा दान दून, और जो पुराने मकान नजर आ रहे सामने वो क्या है, वो जो पुरानी है, वो जो लाल लाल मंदिर के पास दिख रहा है पुरानी धर्मशाला, अच्छा कब्जा हो गया, तो कब्जा हो गया है धर्म के नाम पे, कब्जा हो गया है, चलो अपने अपने विचार विचार है। ये मकान है देखो, अच्छा मकान बन गया इधर, इसके पीछे ये घाट है, वो जो सातु कुंड बताते हैं जिससे जो क्षत्रियों खून से भगवान परशुराम ने भरे थे, ये वो ही सातु कुंड थे, फिर उसके बाद ये तीर्थ बड़ा बनाया है, किसने बनाया तीर्थ, फिर भगवान रामचंद्र और सीता माता ने, हाँ बनवाया था, ये राम खुदाई राम रा, राम खुदाई राम रा, राम खुदाई राम रा, लक्ष्मण बांधी, चल लक्ष्मण जी ने तो पाल बांधी थी, राम ने खुदाई करी थी, राम खुदाई राम रा, लक्ष्मण बांधी पाल, सीता डोरा टोकरी रामचंद्र जी, सीता डोरा, सीता डोरा टोकरी, हाँ माटी रामचंद्र जी गाल, हाँ सीता जी टोकरी डोरी, जब यू तीर्थ बना था तब से इसकी मान्यता है,
इसके अलावा कोई और भी यहाँ मंदिर है कुछ तरह का शक्तिपीठ वगैरह? हाँ, यक्ष देवी का मंदिर है। वो किधर है? वो अब मेन रोड जाएगा। हाँ, ऊपर है रोड। यक्ष देवी मंदिर है, शक्तिपीठ है जो कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार है, ये पल्ला, ये यक्ष देवी मंदिर। ठीक ठीक ठीक, दक्षिणी द्वार है। अड़तालीस कोस का एरिया है पूरा जी, पूरा अपना इंसान मर गया, फूल को नहीं उठते पूरे। अच्छा, फूल तो मारे को उठते पूरे। अड़तालीस कोस का एरिया है रामराज के अंदर आता, अड़तालीस कोस में। इक्कीस तक बताओ थे डुंडवा जोड़ है, और उस तक भी आ गया एरिया ये नो देख लिया फिर। अच्छा अच्छा, इक्कीस तक चल रहा है, चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा अच्छा, अड़तालीस कोस का एरिया आ गया। इसमें गाँव के पशु पशु ही पानी पीते हैं तालाब में? नहीं पीते, वैसे तो अमावस के दिन आते हैं, पुण्य का काम है। कपड़े भी कौन धोते हैं? ये भगवान शिव जी को समर्पित है मंदिर, शिव जी का मंदिर है पुराना। आप इधर पर जाओगे ना इधर और तुमने बेरा में आएगा तो। हाँ, रानी भी है, सूर्य कुंड भी है, सूरज कुंड में मुथमास्टिको है। हाँ, यू जो है नी देवी का मंदिर नहीं है? हाँ, देवी का मंदिर है। देवी का मंदिर है ना, सुन दे नमक चल रहा है ओड़ो खेड़े ही बना रखे जो। हाँ, उनके पास है, उससे मुथमास खत्म हो जाए। ये मेला किस दिन लागे स्पेशल? आई पुणवासी लागे। हाँ, ये पुणवासी आओ, तीन बच्चे हैं बड़े मेले तो तीन हो गए हैं, कार्तक बैसाख है असम में। कार्तक की पुणवासी, सामन की पुणवासी और बैसाख की पुणवासी को मेला लागे बड़ा। अच्छा, कार्तक की पुणवासी तो पशुआ मेला भी लागे है। पशुआ मेला पहले लग गया, वो मौसम लग लिया, वो मौसम का पुणवासी का लागे है। आई पुणवासी का है, नान पुणवासी का है। मन नहाने से क्या मानता है डबा नहा लिए तो अभी क्या हो जाएगा सेव? नवाजी मैं तुम तो नहीं है, तुम है 12 बजे सब तीर्थ इकट्ठे हुए हैं। रात के 12 बजे? दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे सभी तीर्थ इकट्ठे होते हैं? 68 का तीर्थ इसमें रामराय में होते इकट्ठे सारे, इसमें तालाब में 68 तीर्थ है। अगर दिन में 12 बजे नहा तो ये पुणवासी ने लोग लाइए ना। और जो टाइम तो 12 बजे का है? हाँ। 12 बजे तो क्या कोई टाइम हो सकता, एक दो तो जो भी उसमें लोग कहते हैं जी बजाय सुन जाए हमें तो ये 68 इकट्ठे हो जाए उसमें सारा नान हो गया है 12 बजे। हाँ, पुरानी मान्यता जो सुन दिया है बता रहे हैं हमें तो। हाँ, परशुराम का और भी मंदिर है कोई इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण के अलावा हरियाणा में? हरियाणा में है कहते जो मैन मंदिर हूँ पूरा बना रखा है और जो पास खंडा है खंडा में पुराना तो ये है प्राचीन जो अक्षरियाँ नाश करके इसमें बुरा आदर तपस्या करी थी। बुरा है क्या करा था? तपस्या करी थी अपना पाप तारने के लिए रामराय के अंदर। फिर कुंड कांड बड़े राम और सीता ने जोड़ खो दिया, फिर तब तक इसकी मान्यता है। धन्यवाद जी, आपने मेरे को जानकारी दी। भाई भगवान परशुराम का मंदिर है, भव्य मंदिर। इधर से देखते हो अपने भगवान परशुराम का मंदिर में आ गए हम रामराय के अंदर, आपको मंदिर दिखाते हैं अंदर से थोड़ा व्यू। जय भगवान, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना रखा भाई भगवान परशुराम को। ऊपर लाइट के लिए बना रखे दान पत्र है।
यहाँ दिए लगाए जाते हैं, ये दान पात्र है। ये भगवान परशुराम के दर्शन, रामहद तीर्थ रामराय है। ये परिक्रमा इसकी भाई, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना रखे हैं। दोस्तों आप भी कभी राम राय दो मंदिर में, देखो कितना बढ़िया मंदिर है भगवान परशुराम का। जो कि यहाँ जो कि ट्रस्ट कमेटी जो भी यहाँ की नहीं, उसने बहुत बढ़िया कारण मंदिर बना रखे हैं। संस्कृत महाविद्यालय है, धर्मशाला भी इसके अंदर। इधर देखो ये पुराने पुराने बड़ के वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है। बंदर भी यहाँ मस्ती कर रहे हैं, बहुत पुराना पीपल और बड़के वृक्ष है। ये यहाँ कुछ जन साधारण से प्रार्थना लिख रखी है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हो। धर्मशाला है भाई,